हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा एनएचपीसी का जो एग्ज़ाम आया था उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट चीज़ और देखेंगे। जो हमारा एग्ज़ाम है इसमें हमारा जो एक रीजनिंग पोर्शन है और जो हमारा जर्नल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, इसमें जो 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आने हैं इनमें से हम 30 आउट ऑफ 30 कैसे लेके आए, तो हम सारा जानेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको 10 क्वेश्चन दूंगा रीजनिंग के, और वो आपको प्रैक्टिस करना है। और इसी तरीके के डेली इसमें 10 क्वेश्चन आते रहेंगे, 10 रीजनिंग के आएंगे और 10 जनरल अवेयरनेस के आएंगे, डेली आएंगे, जो आपको जो आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स हैं इसको लाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा रीजनिंग पोर्शन है, रीजनिंग पोर्शन में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जिससे हमारे जो 30 नंबर हैं वो पूरे हम ला सके, ठीक है। उसके बाद ही हम देखेंगे कि जो हमारा जनरल अवेयरनेस है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है कि हम मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकें। जो ये वीडियो है ये हमारा जो एनएचपीसी के जितने भी पोस्ट आई हैं उनके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका 30 और 30 क्वेश्चन के नंबर के क्वेश्चन जरूर आने हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, जो हमारे जूनियर इंजीनियर पोस्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा जो रीजनिंग का पोर्शन है, तो रीजनिंग के पोर्शन में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये हम देख लेते हैं। तो रीजनिंग के जो हमारा है इसमें टोटल आपके 30 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स का होगा, तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और जो ये 30 क्वेश्चन है इसमें आप 30 में से 30 पूरे सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डेली इसमें प्रैक्टिस करें, डेली हम जो भी आपको टेस्ट सीरीज या MQ दे रहे हैं, MCQ दे रहे हैं, आप इन्हें डेली प्रैक्टिस करें तो आप ये 30 आउट ऑफ 30 नंबर ला सकते हैं। तो इसमें हम देखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, जो हम इसकी बात कर लेते हैं हमारा रीजनिंग की, तो रीजनिंग में टोटल हमारे देखिए एज पर सिलेबस की बात कर लें हम, जो सिलेबस है हमारा, सिलेबस में देखिए कितना दिया हुआ है। सिलेबस में हमारे टोटल 15 चैप्टर दिए हुए हैं रीजनिंग के, ठीक है। इन 15 चैप्टर को हम यहाँ पे डेली यहाँ पे लगाएंगे। इसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्या है, हम डेली आपको 20, अभी हमने 10 स्टार्ट किया है, बट डेली हम वहाँ पे 20 आपको रीजनिंग के MCQ देंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना है। और डेली आप उसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपके 30 आउट ऑफ 30 जो क्वेश्चन होंगे वो मैक्सिमम सही होंगे। और आप मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप एक्यूरेसी के साथ और जल्दी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सिलेबस है उसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा दूसरा पोर्शन है आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के भी टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। तो इन 30 क्वेश्चन को आप मैक्सिमम सही कर सकते हैं। तो उनको कैसे करना है, तो उसमें मैं बता दूं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे एज पर सिलेबस। आपका हिस्ट्री आएगा, आपका ज्योग्राफी आएगा, आपका कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स आएगा, जनरल पॉलिटी आएगा और साइंटिफिक रिसर्च आएगा। साथ ही साथ एक जो टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स भी आने हैं। तो टोटल आपके जनरल अवेयरनेस में टोटल 7 टॉपिक हैं। ये 7 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अपना डेली एक वीडियो इससे रिलेटेड आपको यहाँ इस हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप हमारा जो ये यूट्यूब का चैनल है आप इसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो हमारा NHPC से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगी। और जो हमारा MCQ डेली है उसका जो सोल्यूशन है वो भी आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें हम इसी ही हमारे YouTube चैनल पे डिस्कस करेंगे। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो भी PDF है PDF में वो भी हमारी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी टेलीग्राम पे। तो हम देखते हैं कि जो हमारे 10 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है, उन 10 क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि देखिए 10 MCQ हैं हमारे रीजनिंग के, ठीक है, वो आप प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आपको उसका सोल्यूशन नहीं आता है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।
तो अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है एमसीक्यू के, तो ये देखिए ये हमारा जो चैनल है ये है हमारा एनएचपीसी रिलेटेड, जो भी देखिए एनएचपीसी के स्टूडेंट है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो वहाँ पे यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देखिए अभी हम मैंने दो दिन पहले से ये स्टार्ट किया है, तो आपके रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 जनरल अवेयरनेस के आएंगे, और जो टेक्निकल के जेई के स्टूडेंट हैं उनके भी कुछ सब्जेक्ट के यहाँ पे एमसीक्यू चलाए जाएंगे। तो आप इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इसे तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जितना भी हमारा एनएचपीसी से रिलेटेड एमसीक्यू है आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, जिससे आप अपने एग्जाम में मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 10 आप ये यहाँ देख लीजिए या फिर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन और देखते हैं ये 10 जो क्वेश्चन है 10 में से आपने कितने, ये जो टोटल देखिए टोटल हमने इसमें रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं, 10 में से कितने आपने सही किए हैं ये आप नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस जितने भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं बट बच्चे 10 out of 10 नहीं ला पा रहे हैं, तो इसलिए आप हमें जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए कि आप कितने नंबर अचीव कर पा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और हमारे चैनल को ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं या फिर आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये इजी क्वेश्चन है बट काफ़ी बच्चे इन्हें नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप ये सारे हमारे जो भी हैं आप इन्हें जाके देख सकते हैं। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है आपका, ये पांचवा क्वेश्चन है, ये छठा है, ये सातवां क्वेश्चन है, ये आठवां है, ये नौवां क्वेश्चन है और ये दसवां है। ठीक है, तो ये है, इसको आप जरूर से जरूर जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और जो आपका जो लिंक है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।